लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ओए, राज्यपाल ने बुलाई ऑयल पार्टी मीटिंग, निर्दलीय विधायक बोले मिलकर सरकार बनाए महबूबा उमर। जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार गिरने के बाद 20 जून को राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। राज्यपाल एनएन वोरा ने बुधवार को भी प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की थी। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोरा ने ऑयल पार्टी की मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में राजनीतिक हालात और कश्मीर की स्थिति पर चर्चा होगी। पार्टी से यह सवाल भी पूछा जाएगा कि राज्य में कब चुनाव होना चाहिए। इस बैठक में हर पार्टी के राजकीय अध्यक्ष को बुलाया गया है। केंद्र सरकार को करारा जवाब दे निर्दलीय विधायक। बता दें कि इस बैठक से पहले निर्दलीय विधायक इंजीनियर राशिद ने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपील की है कि दोनों पार्टी मिलकर राज्य में मिलकर सरकार बनाएं और केंद्र सरकार को करारा जवाब दें। राज्यपाल एनएन वोरा ने बुधवार को भी प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की थी। आईपीएस विजय कुमार बने राज्यपाल के सलाहकार। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगते ही आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने की नीति के तहत सुपर कॉप के नाम से विख्यात रिटायर्ड आईपीएस विजय कुमार को राज्यपाल का सलाहकार बनाया गया है, जो यूनिफाइड कमांड के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और पत्थरबाजों से निपटने की प्लानिंग करेंगे। केंद्र से मिले विशेष पैकेज के तहत चल रही योजनाओं के सही अमल पर जोर होगा, ताकि विकास के जरिए अलगाववादी ताकतों को अलग थलग किया जा सके। इस काम को अंजाम देने की पहल केंद्र सरकार के विशेष प्रतिनिधि दिनेश्वर शर्मा करेंगे, जिन्हें कैबिनेट सचिव का दर्जा हासिल है। साल 2015 में हुए थे राज्य में चुनाव। राज्य में 87 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2015 में हुए चुनाव में बीजेपी को 25, पीडीपी को 28, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15, कांग्रेस को 12 और अन्य को 7 सीटें मिली थीं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 44 सीटें चाहिए। बीजेपी ने वापस ले लिया था पीडीपी से समर्थन। बता दें कि 19 जून को जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया था। समर्थन वापसी को लेकर बीजेपी ने कहा था कि राज्य सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, इसलिए सरकार गिराने की मजबूरी थी। महबूबा सरकार गिरने के बाद 20 जून को राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था।